1952 भारत सरकार ने देश को चीता मुक्त घोषित कर दिया था, वहीं अब भारत में 8 चीते फिर से आ गए हैं। ऐसे में लोगों को तेंदुए और चीते में अंतर जान लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में अभी भी तेंदुए और चीते को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। चीते की शारीरिक बनावट तेंदुए से अलग होती है। दोनों में अंतर लगाने का सबसे आसान तरीका कंधा है। एक तरफ जहां तेंदुए का कंधा कम लंबा होता है, वहीं चीते का कंधा अधिक लंबा होता है। इसके अलावा चीते तेंदुए से ऊंचाई में भी अधिक होते हैं। वहीं एक चीते का वजन औसतन 72 किलोग्राम होता है। साथ ही चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ भी सकता है। वहीं अगर तेंदुए की बात करें तो ये बनावट में चीतों से छोटे होते हैं। हालांकि तेंदुए का वजन चीते से ज्यादा होता है। चीते और तेंदुए की खाल में भी अंतर होता है। अगर चीते को देखेंगे तो उसकी खाल हल्के पीले और ऑफ व्हाइट कलर की होती है, जबकि तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है। चीते की खाल पर गोल या अंडाकार काले धब्बे होते हैं। इसके अलावा दोनों के पंजों में भी अंतर होता है, जिसकी मदद से आप तेंदुए और चीते में पहचान कर सकते हैं। चीते और तेंदुए की सिर की बनावट भी अलग होती है। चीते का सिर छोटा और गोल होता है। साथ ही चीते की छाती ऊंची और पेट पतला होता है। इसके अलावा चीते के चेहरे पर आंखों के कोनों से मुंह तक एक काली लाइन भी बनी होती है, जबकि तेंदुए के आंखों के कोनों से मुंह तक कोई काली लाइन भी नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।